हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है? तो भाई आज हम करेंगे ऑडी A4 का ओनरशिप रिव्यू। तो इसके ओनर से जानेंगे और इसमें देखो आप देख सकते हैं A4 है, बट आपको इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज भी लग रहे होंगे। तो क्या क्या इन्होंने चेंज करा रखा है, क्या इनका ओनरशिप रिव्यू रहा, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस गाड़ी में जो खासियत है ना कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा कम चली है। तो आइए जानते हैं इनके ओनर आर्यन चौधरी से। क्या हाल है आर्यन भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो भाई ये आपकी गाड़ी है, आपने मतलब पहले ये बताओ ये मॉडल कौन सा है? ये भाई 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल है। तो यार ये ऐसी तो आगे से ग्रिल शायद A4 की नहीं आती है, आपने कुछ चेंज करा रखी है? RS4 की किट आती है, एक स्पोर्ट्स वाली वो ऐड करवाई हुई है अलग से। अच्छा, RS4 की किट ऐड करा रखी है आपने इसमें। आगे पीछे चेंज होते हैं, बम्पर वगैरह काफी चीजें चेंज होती हैं। तो 2013 से तो अराउंड आपको इसको 8 साल हो गए गाड़ी को। तो 8 साल में गाड़ी चली कितनी है? ये कुल 27,000 चली हुई है, ज्यादा रन नहीं हुई। आपको पता है बड़ी गाड़ी कम ही चलती है जैसे भी। तो भाई सिर्फ 27,000 चली है 8 साल में गाड़ी, आप देख सकते हो बिल्कुल सारी चीज। टायर तो शायद इसके चेंज करा लिए होंगे? नहीं कराए, न्यू टायर से ऐड करवा दिए थे चारों, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं ना धूप की वजह से। भाई बिल्कुल ना, एक तो इस गाड़ी की लुक्स ही बहुत बढ़िया है और ऊपर से इन्होंने जो किट ऐड करा रखी है ना, ये इसका मेन वो है भाई। ऑडी A4 तो बहुत सारी देखी होंगी, पर ये जो किट है ना, इसकी वजह से देख सकते हो आप कितनी बढ़िया लुक लगती है इसकी आगे से भी पीछे से भी। तो इसमें एक्सटीरियर में क्या क्या करवा रखा है आप पहले ये बताओ सबसे। एक्सटीरियर में वही बम्पर वगैरह और कोटिंग वगैरह जो होती है अपनी नॉर्मल वो करवाई हुई है। अच्छा, जर्मन गाड़ी का तो आपको पता है चलाने का अलग ही मजा है। अच्छा, और पीछे से क्या क्या करवा रखा है? पीछे ये स्पॉइलर हो गया और ये बस डिफ्यूजर्स वगैरह ऐड करवाए हुए हैं इसमें। तो ये अच्छा, दो में साइलेंसर है, दो फेक एग्जॉस्ट है, पर ये देखने में यार कितने बढ़िया लगते हैं आप देख सकते हैं। थोड़े बाहर भी निकले हुए हैं तो ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लगते हैं। बाकी इसमें यार ऑडी ये भी स्पॉइलर भी लगवाया होगा आपने? ऐड करवाया था। अच्छा, तो यार ऑडी की तो बात ही अलग है, इसमें अलॉय भी चेंज करा लेते हैं ना। अलॉय ऐड करवाऊंगा मैं इसमें, 20 इंच की सोच रहा हूं। अच्छा, तब आप इसे पर्सनली अपने उसमें रखते हो? आप ही चलाते हो इसे? कलर भी चेंज करवाऊंगा आने वाले टाइम में। अच्छा, पूरी गाड़ी को मैटे करवाऊंगा। तो भाई इसकी मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या मॉडिफिकेशन, कौन से कलर में देखना चाहते हो। तो चलिए आके इसमें अंदर बैठ के बात करते हैं, अंदर क्या क्या है इसमें। तो अंदर तो यार वही नॉर्मल जो ऑडी का वो होता है उसी तरीके से मिल जाता है। पुश बटन तो इसमें आता नहीं, चाबी लग के फिर ऐसे पुश होती है और स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आके रिवर्स। ऑडी के तो आपने कई काफ़ी सारे रिव्यू देख रखे होंगे, प्रॉपर ऑडी का वो नहीं है, बट इसमें जो चीज़ें चेंज करा रखी थी ना मैंने, इसलिए मेरे को ये पसंद आई। एक्सटीरियर में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। और भाई 34,000 चली है, 27,000 नहीं 34,000 चली है, 8 साल में 34,000 चली है। और इतनी स्मूथ और सब कुछ देख सकते हो, बिल्कुल साफ गाड़ी है ये, अंदर से आप देख सकते हो। बिल्कुल यूज नहीं करते गैस भाई इसे? ये आपको पता है सेंसिटिव गाड़ियां होती हैं, बारिश वगैरह इन सब चीजों में हमें इसे कम ही रन होती है, और भी गाड़ियां घर में उन्हें चलाते हैं। अच्छा, तो कितनी गाड़ियां आपके पास टोटल? 3 गाड़ियां हमारे पास, i20 है, ब्रीजा है और अपनी ऑडी है। अच्छा, तो अब इसे बेचने का कोई आपको वो नहीं है प्लान? इसे नहीं बेचेंगे, इसमें तो मॉडिफिकेशन बढ़ती चली जाएंगी धीरे धीरे। अच्छा, इसे मॉडिफाई कराओगे, इसके कलर वलर चेंज कराओगे, बाकी इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और जो नॉर्मल सी चीजें आपने ऑडी के बहुत सारे वो देख रखे होंगे। इसका रिव्यू करने का तो कोई फायदा नहीं है, बट ओनरशिप रिव्यू चाहिए हमें। तो यार ये जर्मन गाड़ी की फील ही अलग है। अच्छा, अपने आप में जर्मन गाड़ियां ना बहुत सेक्सी होती हैं, आप कैसे भी उन्हें चलाओ। और इसकी भागने की आप स्पीड देखोगे ना, 260 270 तक रुकती नहीं है, इतनी भागती है। अच्छा, तो मतलब आपने 260 तक भगा रखी है। और इसकी आप सर्विस कहाँ पे कराते हो? ये अपने NHPC में ही, ऑडी का नहीं है, दिल्ली साउथ। अच्छा अच्छा, उसी में ही अपना सर्विस। अच्छा, मतलब जेन्युइन सर्विस सेंटर में ऑथराइज में कराते हो इसकी सर्विस, तभी इसलिए इतनी बढ़िया बनी हुई है अभी तक, नहीं तो खराब हो जाती। हाँ जी, बाहर से छिड़वा लेते हैं गाड़ियां। हाँ, लोग क्या करते हैं आजकल जो चल रहा है ट्रेंड कि भाई 5-5 लाख रुपए की ऑडी खरीद के 5 लाख की BMW खरीद के और खुद को बादशाह समझने लगते हैं, और पता चला जी बाहर से इंजन ऑयल बदलवा रहे, 2-3 हजार रुपए में सर्विस करा रहे हैं। तो वो सिस्टम नहीं है, तो इसलिए आप उनकी गाड़ी देख सकते हो, दूर से ऑडी दिखेगी पर वो ऑडी होगी नहीं, वो टूटी फूटी वो होगी। बाकी यार बिल्कुल प्रीमियम बनी हुई है गाड़ी, आप ये देख सकते हो, पिकअप भी एकदम से उठता है इसका। और अंदर तो यार इसमें आवाज भी नहीं आती बिल्कुल, यही जर्मन गाड़ियों का वो है। बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इस कंपनी क्लेम करती है कि इसमें एक्सीडेंट में बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि कोई आदमी मतलब डेथ हो किसी की। अच्छा जी, वैसे तो इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए। बाकी आज लोकेशन भी इतनी अच्छी है, हम सूरजकुंड में आए हुए हैं, यहाँ देख सकते हो आप लोकेशन, यही मेला वगैरह जो लगता है सूरजकुंड का अपना, यही लगता है। अच्छा, तो आर्यन भाई सबसे बढ़िया बात आपको इस गाड़ी में क्या लगती है?
मुझे इस गाड़ी की क्लास बढ़िया लगती है सबसे ज्यादा। अच्छा, जो इसमें लग्जरी वाली फीलिंग आती है ना, हाँ हाँ, वो उसके अपने आप में क्लास है। अच्छा, तो ये BMW और मर्सिडीज से भी ज्यादा आपको अच्छी लगती है। हाँ जी, और इसकी चार चूड़ियों के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो भाई चार चूड़ियों के दीवाने हैं। तो और इसकी अच्छी चीज जो आपको ऐसा मतलब कि बुरी लगती है, जो अच्छी ना लगती हो? बुरी तो एक ही चीज लगती है, इतनी महंगी आती है। अच्छा अच्छा, यही बुरी लगती है। बाकी मेंटेनेंस अगर इसकी कराते तो सर वगैरह सब, वो वाली बात है, आपने वीडियो देखी कि हमने एक महंगा शेर पाल रखा है। अच्छा, खर्चा तो भाई हो गई। अच्छा अच्छा, तो इसकी सर्विस की कॉस्ट क्या आती है? सर्विस 30-35, और कोई मेजर काम होता है तो उसमें 50-60 लग जाते हैं। अच्छा, 30-35 की आ जाती है। बाकी इसके ब्रेक पैड्स वगैरह ये सब कुछ ओरिजिनल ही कराते होगे आप चेंज? अच्छा अच्छा, तो यार इन गाड़ियों को चलाने का मजा तो कुछ अलग ही है। एक तो सेडान गाड़ी होती है, ऊपर से अपना हाईवे पे लेके जाते होगे आप इसे टूर पे। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि आप लोग ऑडी का और क्रूज की रेसिंग देखना चाहते हो क्या? भाई उसमें तो अलग ही मजा रहेगा, दो सेडान गाड़ियां आपस में, क्योंकि तो इसमें भी 2.0 लीटर का इंजन आता है 2000 cc का, उसमें भी 2000 cc का, पर इसमें पावर फिगर्स जो है वो 187 bhp आती है और 320 nm का टॉर्क आता है, उसमें 163 bhp और 360 nm का टॉर्क आता है क्रूज में। पर चलो चेक करेंगे एक बार। अगर आप लोग भाई क्रूज और ऑडी की वो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ड्रैग रेस अगर देखना चाहते हो तो लेके आएंगे। बाकी यार ये था इसका एक ओनरशिप रिव्यू, और 8 साल पुरानी गाड़ी है और जो कि इतनी बढ़िया बनी हुई है, मतलब हर फंक्शन इसका काम करता है। इतनी पुरानी गाड़ी में ना यार, इन लग्जरी गाड़ियों का यही है कि मेंटेनेंस चाहिए, एजेंसी से सर्विस कराते हैं जैसे कि आप भैया बता रहे हैं हमारे। और ये पीछे से मुझे तो एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, आप देख सकते हो इसका। तो ये था भाई का ओनरशिप रिव्यू, इन्हें तो यार गाड़ी बहुत पसंद है। आपको पसंद है नहीं पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये आगे से गाड़ी ऐसी लगती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।